के पास बहुत सही पोजीशन है, ओएस यहाँ पर पुश कर चुका है, फिनेटिक स्क्वाड सोल के ऊपर यहाँ पर पुश कर रहे हैं, देखते हैं फिनेटिक वैसे सोल क्या ही होता है। गाइस 10.5 के पीपल ऑफ वाचिंग जो को भी देखना है हिट द लाइक बटन एंड अभी भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज टॉस को यहां पर पड़ी थी ओशन नॉकआउट कर चुका है। सांगवान थोड़ा बाहर है, सांगवान का पोजीशन यहां पर डेडली हो सकता है फिनेटिक के लिए। सांगवान जिस पोजीशन में होल्ड पर बैठा है अगर कोई स्लैमिंग करता है वो इस पोजीशन से डैमेज दे सकता है, लेकिन क्या वो एज टीम ना देख के पुश करेगा, अगर ना देख के यहाँ पर पुश करता है सामने वाले घर पे तो यहाँ पर डाउन हो सकता है। एंड वही यहाँ पर एश को डाउन करते हुए जो मैंने बोला था वही यहाँ पर हुआ, यहाँ पर एश को भी नॉकआउट कर चुका है। अभी सांगवान का पोजीशन रिवील है एंड रौनक को पीछे देखिए और ने नॉक किया क्या, नहीं आईडी यस किसी और ने नॉक किया आईडी क्रेटोस आईडी पीछे है, सांगवान का भी पता चल जाना चाहिए। फैनेटिक एश को क्लियर करते हैं सोल वाइपर आईडी का स्क्वाड पीछे, आईडी का स्क्वाड स्लैमिंग कर रहा है, यस स्नैक्स यहाँ पर स्लैमिंग कर चुका है, वीएसजी क्रॉलर सांगवान इधर अकेले बचे हैं, ये क्रेटोस के ऊपर डैमेज देने की कोशिश। फैनेटिक सोल वर्सेस आईडी टॉप थ्री टीम अभी यहाँ पर फाइट लेते हुए, ट्रांसफॉर्मर जोन के बाहर ब्लीड आउट हो जाएगा, इधर एक नॉक को इधर रिवाइव दिया जाएगा, दैट इज वेरी टैक्टिक। प्रतोष को वाइपर ने फिर से नॉकआउट कर चुका है, रौनक को इधर क्लियर करते हुए रोज को यहाँ पर क्लियर आउट बाई मॉर्टल, तो सोल का टीम इस मैच में किल्स निकाले, नौ किल्स है उन लोगों के पास, वो इस बच्चे अपने टीम से लास्ट बंदा मॉर्टल लेवल प्ले करने की कोशिश। फैनेटिक जो सबसे ज्यादा मुश्किल पड़ा दैट वॉज फ्रॉम सांगवान, सांगवान का पोजिशन बहुत सही था, बहुत सही था वो उस पोजिशन से जो वो धप्पा दिया अपने सामने वाले टीम को, अगर धप्पा ही बोल सकते हो जो खेलते हैं लुका छुपी अगर बोलोगे तो एकदम बहुत सही था, वो कनेक्ट नहीं कर पाया सांगवान इस पोजिशन में, ओएस वहाँ पर डैमेज नहीं पहुंचे, अभी भी कनेक्ट नहीं कर पाए, छोटा सा लोड इसके कारण वे से बचे हैं, एट लास्ट अभी भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्या ही गलत हो रहा है, सांगवान बोलेगा भाई क्या ही हो रहा है भाई, लेकिन वो छोटा रीच के कारण बचा है फैनेटिक ओएस ने, लिटरल 5 एचपी कर दिया था सांगवान को इस फाइट में एंड यहाँ पर बच चुका है। आईएनडी का स्क्वाड पीछे है, अभी आईएनडी के ऊपर ध्यान देना चाहिए सोल को, सोल यहाँ पर पीछे आते हुए सोल को उधर गैदर राउंड होना चाहिए अपने टीम के साथ जल्दी जल्दी, क्योंकि सामने आईएनडी का स्क्वाड है, मॉडल जिस पोजिशन में आ चुका है पीछे से 8 का स्क्वाड मॉडल को यहाँ पर नॉक एंड फिनिश कर सकता है, पीछे एक स्मोक बहुत जरूरी है इस पोजिशन में, वाइपर भी थोड़ा पीछे आ रहा है क्योंकि उसका टीम से पीछे है, अभी रेगल टॉस का जो स्मोक है बहुत सही जगह पर नहीं है, लेकिन जो स्मोक था वो बहुत सही है, लाइक पोजीशन स्मोक का थोड़ा कम बोल सकते हो लेकिन जो मोटिव से स्मोक किया गया था वो बहुत सही है। ओरिया किंग्स का बॉम्बर को वहाँ पर नॉकआउट करते हुए 8 एंड यहाँ पर आईएनडी का स्कोर सामने इधर फाइट लेते हुए ओरिया किंग्स का एक बंदा और बंदा डाउन, अक्षु वहाँ पर प्ले करते हुए प्रधान को भी नॉकआउट करते हुए प्रधान भी डाउन एंड 5 के पास पेन का स्कोर पीछे उनके लिए मूवमेंट देगा। आईएनडी रिजल्ट ऑफ उधर नॉकआउट कर चुका है इधर आईएनडी लूसिफर को एंड मॉडल पूरा रोटेट किया राइट की तरफ से, ये थोड़ा ज्यादा ही डैमेज पड़ेगा सोल के दो बंदे यहाँ पर रेगल टॉस एंड सांगवान नॉक है एंड अभी एक स्पोक बनता है क्रेटोस के ऊपर एंड क्लियर आउट, भाई डीसिंग पे गया बंदा लेकिन बहुत सही मारा इधर क्रेटोस ने, बहुत ही सही आईडी का स्कोर से इधर स्नैक्स क्लियर आउट हो जाएगा, बचने कोई चांस ही नहीं है। क्रेटोस अपने टीम से लास्ट में सोलो सर्वाइवर हिलअप करेगा, नहीं किया हिलअप, हिल कनेक्ट नहीं हुआ, पीछे एडविट का टीम जो मैं बोला था बहुत ज्यादा डैमेज देगा पीछे थर्ड पार्टी में एंड वही यहाँ पर दे चुका है एंड पेट के स्कोर से एश यहाँ पर बचे हैं एंड फेयर्स बचे हैं, टीम सेवेज रेजर वहाँ पर नॉक पर है उसको बचाया जा सकता है, कवर है एंड शायद यहाँ पर 8 का टीम चिकन ले सकता है, टीम पर स्लैमिंग कर चुका है, पिन एज भी डाउन, पिन द स्पॉट भी क्लियर आउट, आईएनडी से क्रिएटर्स बचे हैं एंड 1v4 सिचुएशन राइट नाउ, क्या ये ग्रोजा है तो मचा सकता है, नहीं ग्रोजा नहीं है, सबसे से और ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकता है, जोन में नहीं है ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा, कुछ करने का नहीं है क्रिएटर्स को, एक नॉक एंड फिनिश करने का इस पोजीशन में, एक नॉक एंड फिनिश, लेट्स सी क्रेडोस को भी पता है यहाँ पर 1v4 चिकन डिनर लेना इम्पॉसिबल टाइप का सिचुएशन क्योंकि उसके पास धोनी नहीं है, ड्रिंक ले रहा है उस पर लेना चाहिए था प्लीज, लेफ्ट से पुश आते हुए क्रेडोस के ऊपर राइट से क्लियर आउट हो चुका है, 8 को था चिकन डिनर जी जी, तो टीम 8 गाइस बहुत ही अच्छा खेले, बहुत ही सही पोजिशन में सही रोटेशन दिए इन लोगों ने एंड बहुत ही अच्छे किल्स के साथ चिकन डिनर लेके गए विथ 10 किल्स।